मैं तुमसे प्रेम करूंगा, तुमसे ही मैं लगन भी करूंगा। मुझसे लगन करोगे? उसका हुक्म हो गया, अभी मैं क्या करूं? तुमने जरूर कुछ दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगी। कहानी मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार और एक लड़की की है जो बाद में अभिनेत्री बनी, सायरा बानो। छोटी सी उम्र में ही लग गया रो, कहते हैं लो मैं मर। ये कहानी भी किसी परिकथा से कम नहीं है दोस्तों, क्योंकि 12 साल की इस युवा लड़की को विश्व प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार से प्यार हो गया था। सुनो एक बात। सायरा बानो ने खुद एक इंटरव्यू में बात कही थी कि जब वो 12 साल की थी तब उन्हें दिलीप कुमार से प्यार हो गया था। इतनी कम उम्र में पूर्व एक्ट्रेस दिलीप कुमार को अपना दिल दे बैठी थी। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि दिलीप के लिए वो सिर्फ एक और लड़की थी, लेकिन उनके लिए दिलीप कुमार ही सब कुछ थे। अकेले ही अकेले चला है कहां। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार रहे दिलीप कुमार ने 7 जुलाई 2021 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। दिलीप कुमार के निधन के बाद सायरा बानो ने उन्हें याद करते हुए कहा था कि ख्यालों में हम आज भी एक दूसरे का हाथ थामते चलते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों, शुभचिंतकों का आभार भी जताया था। 1922 को पैदा हुए दिलीप कुमार के चाहने वाले दुनिया भर में हैं। फिल्मों के अलावा दिलीप कुमार मधुबाला को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे थे। कहते हैं सायरा बानो जब 12 साल की थी तब वो दिलीप कुमार को अपना दिल दे बैठी थी। मैं हूं बाबू जेंटलमैन, आप मिला ले मुझसे नैन, लंदन से आया मैं बन ठन के। उन्होंने दिलीप कुमार को प्रभावित करने के लिए उर्दू और पर्शियन तक सीखी थी। दिलीप कुमार 60 के दशक के सुपरस्टार थे। लोगों को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता था। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले। सायरा बानो उनकी बड़ी प्रशंसकों में से एक थी। ऊपर से उनकी मां नसीम बानो खुद एक अदाकारा थी। मसलन सायरा बानो अक्सर उनके साथ फिल्में देखने जाया करती थी। एक दिन वो दिलीप कुमार की फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर पहुंची। फिल्म के दौरान जैसे ही दिलीप कुमार स्क्रीन पर आते तो खुशी से झूम उठते। कहते हैं बस यही से सायरा बानो ने मन ही मन में दिलीप कुमार को अपना बना लिया था। वक्त के साथ साथ वो उनके नाम के सपने भी बुनने लगी थी। वो 16 साल की रही होंगी जब उन्हें दिलीप कुमार की फिल्म मुगले आजम के प्रीमियर की सूचना मिली। दिलीप कुमार खुद इसका हिस्सा बनने वाले थे। सायरा बानो के पास दिलीप कुमार से मिलने का ये बड़ा मौका था, मगर अफसोस कि कुछ कारणों से दिलीप कुमार नहीं आ पाए और सायरा बानो के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। उन्हें लगने लगा था कि वो शायद दिलीप कुमार से कभी नहीं मिल पाएंगी। खैर, कहते हैं ना कि प्यार अपना रास्ता खुद बना लेता है। सायरा बानो ने भी अपने प्यार से मिलने का तोड़ निकाल लिया था। उन्होंने तय किया कि वो भी फिल्मों में काम करेंगी और बड़ी स्टार बनेंगी ताकि वो दिलीप कुमार से शादी कर सके। माँ की मदद से इन्होंने इस रास्ते पर चलना शुरू कर दिया।
जल्द ही उन्हें शमी कपूर जैसे बड़े सितारे के साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। यहाँ से सारा बानो की जिंदगी बदल गई। चाहे कोई मुझे जंग भी कहे, कहने दो जी कहता रहे। जल्द ही वो एक फिल्म में दिलीप कुमार की सह अभिनेत्री बनने में कामयाब रही, मगर एक बार फिर से उन्हें मायूसी मिली। दरअसल दिलीप कुमार ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। उनके अनुसार वो उम्र में उनसे छोटी थी और दर्शक इसे नापसंद कर सकते थे। हालांकि ज्यादा दिनों तक दिलीप कुमार सायरा बानो को इग्नोर नहीं कर सके। सायरा बानो के जन्मदिन के मौके पर दिलीप कुमार उनके घर पहुंचे तो वो सायरा बानो को देखते ही रह गए। माना जाता था दोस्तों कि यही वो पल था जब दिलीप कुमार को सायरा बानो के प्रति अपनी एक खास एहसास हुआ था। आगे दोनों के बीच इकरार हुआ और साल 1966 में दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। शादी के वक्त सायरा बानो की 22 साल की उम्र थी जबकि दिलीप कुमार की उम्र थी 44। पल पल में टूटने वाले फिल्मी रिश्तों के बीच सायरा बानो दिलीप कुमार का रिश्ता कुछ अलग था, कुछ खास था। दोस्तों आज के ज़माने में हिंदी सिनेमा में यानी बॉलीवुड में बहुत कंपटीशन है। तकरीबन हर महीने एक नया स्टार पैदा हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बहुत लंबी बाजी होती थी और द एक्टर वॉज देयर टू स्टे। उस ज़माने में द 1940s और 50s में तीन बड़े नाम हुआ करते थे लीडिंग हीरो के तौर पर, देवानंद, राज कपूर और दिलीप कुमार। मुझको करने काम बड़े, ओ यारा काम बड़े, सब खेल है बस तकदीरों का। हालांकि इन तीनों की आपस में दोस्ती भी थी लेकिन मीठा मीठा कंपटीशन भी। दिलीप कुमार के वक्त दो ही अभिनेता उनकी सीधी टक्कर के माने जाते थे, देवानंद और राज कपूर। बस यही दो थे जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थी और रुपये खनकने लगते थे और फैंस बेकाबू होकर उनकी एक झलक और ऑटोग्राफ के लिए उनकी गाड़ियों के पीछे भागते थे। सिर्फ यही तीन अभिनेता अदाओं, फिल्मों की गिनती और शोहरत की बुलंदियों में एक दूसरे की सीधी काट थी। जहाँ दिलीप कुमार की छवि पढ़े लिखे लोगों के अभिनेता होने की थी, अपर क्लास और एजुकेटेड मासिस के फेवरेट हीरो। सारे शहर में आपसा कोई नहीं, कोई नहीं। वहीं देवानंद ने अपना स्टाइल हॉलीवुड एक्टर से कॉपी किया था, मचलते चाल और चेहरे पर आम आदमी को पसंद आने वाली देसी मुस्कान। राज कपूर सीधे सीधे किरदारों में नजर आते थे। आवारा, श्री 420, उन्होंने अपना अंदाज चार्ली चैंपियन से भी कॉपी किया था। शेर और शायरी और नफासत उनका स्टाइल नहीं थी। दिलीप कुमार साहब को मशहूर हॉलीवुड ऑस्कर अवार्डेड फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में शेरिफ अली का किरदार निभाने का भी ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वो ज़मीन जिसके बारे में मुझे पता नहीं, मैं जहाँ के लोगों को जानता नहीं, वहाँ जाके क्या करूँगा, मैं अपनी ज़मीन का राजा हूँ। दिलीप कुमार साहब ने अपनी जगह दूसरों से अलग रखी। शायद यही वजह है कि उन्हें अपने लंबे करियर में सिर्फ करीब 60 फिल्में ही की हैं। दोस्तों दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान अकेले एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्हें अनडिवाइडेड पाकिस्तान, जहाँ वो पैदा हुए थे, उसकी सरकार यानी आज के पाकिस्तान ने उन्हें सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर दिया था। जी हाँ दोस्तों, यही नहीं, इसके अलावा कई और पॉपुलर अवार्ड्स, स्टेट अवार्ड्स हैं जिससे उन्हें नवाजा जा चुका है। क्या है वो अवार्ड्स, चलिए देखते हैं। दिलीप कुमार साहब के पास न सिर्फ अनगिनत अवार्ड्स हैं बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। आज पुरानी राहों से हर करम अपना करेंगे, हर करम। सबसे ज़्यादा अवार्ड पाने के लिए उनको 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स और 19 फिल्म फेयर्स नॉमिनेशंस मिले हैं। 1993 में इनको फिल्म फेयर ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। 1994 में इनको भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन।
1980 में इनको मुंबई के शेरिफ की ऑनररी पोजीशन दी गई। 1991 में इनको पद्म भूषण और 1997 में इनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविलियर अवार्ड निशानाए इम्तियाज दिया गया। 1997 में ही इनको एनटीआर नेशनल अवार्ड दिया गया। दिलीप कुमार साहब साल 2000 से साल 2006 तक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कैमरे पर सिर्फ अपनी निगाहों से एक्टिंग करना दिलीप कुमार ने सिखाया। इनके अभिनय में गजब की वर्सिटैलिटी थी। लड़ गए हैं तो मनवा माँ कतक होई बेकरी। इतने रंग एक ही इंसान के अभिनय में कम ही देखने को मिलते थे। कभी ट्रेजेडी, कभी रोमांस और हर बार एक नया अंदाज। दिलीप कुमार ने हिंदी सिनेमा को अभिनय का शाहीन अंदाज सिखाया। दोस्तों, किस तरह से बड़े सुपरस्टार्स अपने करियर की बाजी तो जीत जाते हैं, लेकिन ये अक्सर दिल की बाजी हार जाया करते हैं। देवानंद किस तरह से सुरैया को हार गए थे, राज कपूर चाहकर भी नरगिस से शादी नहीं कर पाए थे, और दिलीप कुमार यानी यूसुफ खान एक बार नहीं दिल की बाजी दो दो बार हारे। पहली बार कामिनी कौशल के साथ और दूसरी बार मधुबाला। ट्रेजेडी किंग की जिंदगी आसान नहीं थी। मोहम्मद यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार की ऑन स्क्रीन इमेज में ट्रेजेडी किंग का टाइटल काफी सालों तक जुड़ा रहा। जितना दुख, नुकसान और चोट इनके किरदारों को फिल्मों में मिली थी, उतनी ही तकलीफ इनके दिल को इनकी निजी जिंदगी में भी मिली। एक ऐसी सूरत जिस पर पूरी दुनिया की लड़कियां मरती, उस सूरत पर कई सालों तक अपने महबूब को पा लेने की खुशी नहीं आ पाई। कुछ लोग एक बार इश्क करते हैं और कई जिंदगियां बिता लेते हैं, लेकिन यूसुफ खान ने दो दो बार इश्क किया और जिंदगी हर बार नए सिरे से खोई। इश्क में दो बार हार, ठोकर और जिल्लत का सामना किया। दिलीप कुमार की जिंदगी का पहला प्यार था कामिनी कौशल। कामिनी के साथ इन्होंने 4 फिल्मों में काम किया, नदियां के पार, शहीद, शबनम और आरजू। कामिनी के साथ इन्हें अक्सर सेट्स पर हाथ पकड़े बैठे भी देखा जाता था, लेकिन वो इसे किसी किताब या स्क्रिप्ट से लोगों से छुपा लिया करते थे। एक दूसरे के दोस्त और सच्चे साथी थे। कामिनी कौशल का असली नाम उमा शुद्ध था। दिलीप कुमार और कामिनी कौशल की जोड़ी पर्दे पर क्या खूब लगती थी, लेकिन असल जिंदगी में इन दोनों के हाथ एक दूसरे की हथेलियों में कभी ना आ सके। कामिनी कौशल की शादी उनके अपने जीजा से तय हो गई थी। उनकी बहन की शादी के बाद कम उम्र में ही उनकी डेथ हो गई थी और वो छोड़ गई थी छोटे बच्चे जिनको माँ की ज़रूरत थी। कुछ परिवारों में बीवी की छोटी बहन को माँ की जगह रख दिया जाता है, क्योंकि मौसी से बेहतर सौतेली माँ और कोई नहीं हो सकती। कामिनी कौशल की शादी हो गई अपने जीजा से, यूसुफ खान बस देखते ही रहे। शादी के बाद भी हालांकि वो इन्हें पसंद करती थी, लेकिन एक दिन उनके भाई जो मिलिट्री में हुआ करते थे वो सेट पर आए और दिलीप कुमार की कनपट्टी पर पिस्तौल रख दी और धमकी दी कि वो उनकी बहन की जिंदगी से बहुत दूर हो जाएं। इस सदमे से उभरने के बाद कुछ वक्त के बाद उन्हें मधुबाला से इश्क हुआ। मधुबाला का असली नाम था मुमताज बेगम। ये रिश्ता 5 साल चला, दोनों की इंगेजमेंट भी हो गई, लेकिन मधुबाला के दिल में छेद था। जब तक ये बात मालूम हुई और इलाज शुरू हुआ बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन शादी न होने की वजह सिर्फ ये नहीं थी, नया दौर फिल्म की शूटिंग के वक्त पूरी यूनिट को ग्वालियर जाना था क्योंकि मधुबाला की तबीयत खराब रहने लगी थी। उनके वालिद अताउल्ला खान ने उन्हें जाने से मना कर दिया। फिल्म के प्रोड्यूसर बीआर चोपड़ा ने कोर्ट केस कर दिया। दिलीप कुमार ने प्रोड्यूसर की तरफ से गवाही दी, लेकिन तब तक सब ठीक था। दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा, फिल्में छोड़कर मुझसे शादी कर लो, लेकिन मधुबाला ने शर्त रखी कि वो यानी दिलीप कुमार उनके वालिद से पहले माफ़ी मांगे। उन्होंने साफ मना कर दिया
और मधुबाला और दिलीप कुमार हमेशा के लिए दूर हो गए। मधुबाला ने जिद में किशोर कुमार से शादी की, लेकिन ये शादी एक नाकामयाब शादी रही। उसके बाद दिलीप कुमार की अपनी उम्र से आधी उम्र की एक्ट्रेस और ब्यूटी क्वीन सायरा बानो से शादी हुई। शादी के कुछ ही सालों बाद उन्होंने चुपचाप आयशा नाम की औरत से शादी कर ली। ये एक गलत कदम था। उन्हें मालूम हुआ कि आयशा उन्हें धोखा दे रही थी। इन काली आँखों में जज्बात का सूरज कई कई बार सुरमय हुआ था। दोस्तों, दिलीप कुमार का 7 जुलाई 2021 को 58 साल की उम्र में सुबह तकरीबन 7:30 बजे हिंदुजा अस्पताल में मुंबई में निधन हो गया था। लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया था। ये टेस्टिक्यूलर कैंसर और भी कई उम्र से संबंधित बीमारियों से पीड़ित थे।